नमस्ते भक्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हरि भक्ति चैनल में। इस चैनल का एक मराठी चैनल जिसका नाम है मराठी गुरुकुल न्यू ओपन किया है, आप उसे भी जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका सपोर्ट दीजिएगा। वहां पर भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहेगी मराठी में। धन्यवाद। एक दिन स्वामी समर्थ सुबह सुबह ध्यान में लीन थे, जबकि स्वामी का दिन क्रम रहता था कि सुबह सुबह अपने भक्तों के प्रश्नों के उत्तर देना, सत्संग लेना, उनके जो भी समस्याएं उनको सुलझाना। एक भक्त स्वामी से मिलने आता है और स्वामी की तरफ देखता है, कुछ बोलने ही वाला होता है पर वो देखता है कि स्वामी तो ध्यान में लीन है। अगर मैं कुछ स्वामी से ना पूछूं तो मेरे प्रश्न के उत्तर रह जाएंगे, और यदि मैं स्वामी से कुछ पूछता हूं तो हो सकता है उनका ध्यान भंग हो जाए और वो मुझे चिल्लाए। ये सोचकर वो भक्त वहीं पर बैठ जाता है और स्वामी के ध्यान के बाहर आने की प्रतीक्षा करता है। स्वामी उठते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं और उस भक्त की तरफ देखकर बोलते हैं, तुझे शर्म नहीं आती अपने घर आए मेहमान से ऐसे बात करते हैं? और ऐसा कहकर फिर से अपनी आंखें बंद करते हैं। अब वो भक्त मायूस होकर स्वामी से कहता है, स्वामी क्या हुआ, मुझसे कुछ गलती हुई? आप मेरे घर आने वाले थे, फिर क्या हुआ? तो स्वामी कहते हैं, क्या मैं तेरे घर आने वाला था? कोई बात नहीं, आज मैं तेरे घर आ जाता हूँ। इतना कहकर वो भक्त खुशी खुशी से अपने घर लौट गया। दूसरे दिन फिर से स्वामी ध्यान में लीन थे। वो भक्त फिर से स्वामी के निकट आकर खड़ा हुआ। फिर से स्वामी ध्यान में लीन देखकर वो वहीं पर बैठा रहता है। स्वामी अपनी आंखें खोलते हैं और उस भक्त को देखते हैं और उसे फटकारते हैं, निर्लज तुझे शर्म नहीं आती अपने घर आए मेहमान से ऐसे बातें करते हैं? और इतना कहकर फिर से अपने आंखें बंद करते हैं। वो भक्त फिर से स्वामी को पूछता है, स्वामी आप तो मेरे घर आने वाले थे, फिर क्या हुआ? आपने तो मुझे वचन भी दिया था। फिर से स्वामी कहते हैं, अपने घर आए मेहमान से बात करना जानता नहीं और मुझसे वचन मांगता है, चला जाए यहाँ से। पर वो स्वामी के चरण कमल के पास बैठ जाता है और स्वामी को विनती करता है, स्वामी एक बार मेरे घर पर पधारिए। और स्वामी कहते हैं उसे, ठीक है मैं तेरे घर आज आ जाऊंगा। फिर से वो भक्त खुशी खुशी अपने घर लौटता है। दूसरे दिन फिर से वही हो जाता है, स्वामी ध्यान में लीन रहते हैं और वो फिर से स्वामी को ध्यान में लीन देकर वहीं पर बैठा रहता है। और अब स्वामी अपनी आंखें उसकी तरफ करते हैं और उसे फटकारते हैं, उसे जोर जोर से बोलते हैं, उसे खड़ा करते हैं और कहते हैं, चला जाए यहाँ से, मुझे बांध के रखता है, मुझे बांध के रखने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ, चला जाए यहाँ से। ऐसे उसे फटकारते हैं। अब जाकर उस भक्त को समझ में आता है कि स्वामी क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उसने अपनी गाय को कस के बांध कर रखा था और वो बहुत देर तक चिल्ला रही थी। और स्वामी ने उसे कहा, पहले उस गाय को छोड़कर आ, फिर मेरे पास आ जा। वो भक्त तुरंत स्वामी की बात मानता है और स्वामी के निकट खड़ा हो जाता है। स्वामी उसे कहते हैं, मैं तेरे पास तीन बार आ गया था। पहले तो मैं तेरे पास एक बालक का रूप लेकर आया था, दूसरा मैं तेरे पास एक माता का रूप लेकर आया था, और तीसरा तूने अपनी गाय को ही बांधा और तकलीफ मुझे हो रही थी, तो मैंने तुझे तीन बार दर्शन दिए पर तूने मुझे पहचाना नहीं। पहले तू इंसानियत सीख, फिर मुझे अपने घर बुला। अब वो भक्त रोने को आया था। स्वामी ने उसकी तरफ देखा और अपने पास बिठाया और उसे कहा कि उसे जानवरों से और अन्य लोगों से कैसी बात करनी चाहिए, क्योंकि वो भक्त जो था वो आए गए लोगों से हमेशा झगड़ा करता था, किसी को पानी तक नहीं देता था। अपने द्वार पर कोई आता, कोई पानी मांगता, कोई खाना मांगता तो वो कभी भी नहीं देता, बल्कि उनको धक्के मार कर बाहर निकालता था। और यहाँ तक कि उसके घर गाय रहती थी, उसे भी वो कस के बांधता था और यहाँ पर आकर स्वामी को घर आने के लिए कहता था। अब आप ही बताइए, क्या ऐसे घर स्वामी जा सकते हैं? नहीं ना। दोस्तों, इस बात से पता चलता है कि स्वामी केवल ज्ञान नहीं देते थे, तो स्वामी अपने भक्तों को, यहाँ तक के साधारण लोगों को भी इंसानियत सिखाते थे, और वो भी उसी के तरीके से, अपने बच्चों को या फिर उनके उनके घर पर रहने वाले पालतुओं को उनके साथ भी कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये तक स्वामी सिखाते थे। मुझे उम्मीद है आपको ये स्वामी की सीख जरूर अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखें, धरती माँ की रक्षा करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। जय श्री स्वामी समर्थ।